प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि अगले महीने मार्च के पहले हफ्ते में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। असम में कई विकास कार्यों का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा कि लंबे समय तक असम और उत्तर पूर्व के राज्यों को विकास से दूर रखा गया, लेकिन सही नीति और नियत की वजह से हालात बदले। प्रधानमंत्री ने कहा कि उज्ज्वला योजना की मदद से कई असम के पिछड़े इलाकों में भी लोगों को रसोई गैस मुहैया कराई गई है। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी इन्हीं दिनों में 5 राज्यों के लिए चुनाव का ऐलान हुआ था और वो चुनाव की घोषणा होने से पहले इन राज्यों में ज्यादा से ज्यादा बार जाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं अब आप चुनाव का इंतजार करते होंगे। शायद मुझे याद है कि पिछली बार जब चुनाव घोषित हुआ था वो शायद 4 मार्च को हुआ था। इस बार भी मैं संभावना देखता हूं कि मार्च के प्रथम सप्ताह में कभी भी चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन का वो काम है, वो करेंगे, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि चुनाव घोषणा होने से पहले जितनी बार असम आ सकूं, पश्चिम बंगाल जा सकूं, केरल जा सकूं, तमिलनाडु जा सकूं, पुडुचेरी जा सकूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मार्च 7 अगर मान ले हम चुनाव घोषणा की, तो ये जो भी समय मिलेगा, क्योंकि पिछली बार 4 मार्च को हुआ था, उसके आसपास इस बार भी हो सकता है, जो भी हो मैं आपके बीच आने का निरंतर प्रयास करता रहूंगा। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही किसान आंदोलन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी की भी नाराजगी ठीक नहीं है, सबको साथ लेकर चलना है। दरअसल कल बीजेपी की बैठक हुई और इस बैठक में ही ये कहा गया कि सबके साथ से ही विकास होगा, इसलिए जमीन पर काम करना जरूरी है और सभी को साथ लेकर चलना जरूरी है। तो सूत्रों के मुताबिक जो बड़ी खबर आ रही है, कल जो बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी की भी नाराजगी ठीक नहीं है और सभी को साथ लेकर चलना है। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल? देखिए, कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बीजेपी के जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी थे उनकी बैठक को संबोधित किया और साफ तौर पर जो किसान आंदोलन है उसका इशारों में जिक्र किया कि कोई भी छोटा समुदाय अगर नाराज होता है तो देश विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता, उसे अच्छे से चलाया नहीं जा सकता। तो ऐसे में जरूरी है कि उस असंतुष्ट समुदाय, चाहे वो कितना भी छोटे से छोटा समुदाय हो, उनको साथ लेकर चलना चाहिए और वो साथ तभी चल सकता है जब पार्टी के और संगठन के पदाधिकारी जमीन पर जाकर काम करेंगे, उनकी शिकायतों को सुनेंगे, उनकी जो समस्याएं उनका समाधान करेंगे। और ये तभी हो सकता है जब जमीन पर योजनाएं पहुंचें, जमीन पर कार्यकर्ता पहुंचें और तब यानी कि साफ तौर पर देखा जाए कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों को लेकर बड़े आशान्वित हैं। उनको लगता है कि अगर सही बात उनके सामने रखी जाएगी, जो किसान बिल मोदी सरकार के द्वारा लाए गए हैं, तो जरूर वो